हे वेलकम बैक गाइस। तो कैसे हो आप सभी लोग, आई होप आप सब लोग ठीक हो गए और मस्त हो गए। गाइस अभी मैं आ चुका हूँ मिनी लाजपत राय मार्केट के अंदर। आप लोग देख सकते हैं ये पूरा हमारा मिनी लाजपत राय मार्केट है जो कि पड़ता है हमारा बोरसारे रोड पर। और गाइस आज मैं आया हूँ स्टॉल नंबर 55 पर, जहाँ पर आपको इन्वर्टर के वेरियस पार्ट्स मिल जाएंगे, स्पेयर पार्ट्स मिल जाएंगे, जैसे कि कैपेसिटर्स, ट्रांजिस्टर्स, IGBTs, MOSFETs। और गाइस आपको भैया के पास में ब्रांडेड इन्वर्टर के कार्ड्स वगैरह भी मिल जाएंगे, जैसे कि हमारा एमरॉन हो गया, ल्यूमिनस हो गया, माइक्रोटेक हो गया, सुकैम हो गया। तो गाइज चलिए फटाफट से मैं एक बार भैया की शॉप का आपको एड्रेस दिखा देता हूँ। तो गाइज आप लोग देख सकते हैं ये भैया की शॉप और ये भैया की शॉप का एड्रेस। भैया की शॉप का नाम है मलिक इलेक्ट्रॉनिक्स, स्टॉल नंबर 55, मोरसराय रोड, अली 6। तो चलिए गाइज फटाफट से भैया से मिलते हैं और जानते हैं कि भैया के पास में क्या क्या वैरायटी है और भैया के पास में वो सारी चीजें क्या क्या प्राइस पॉइंट पर मिल रही है। तो हेलो भैया, कैसे हो? भैया क्या नाम है आपका? मलिक भाई। तो गाइज भैया का नाम है मलिक। तो मलिक भैया आज क्या क्या दिखाने वाले हो हमको? मेरे पास इलेक्ट्रॉनिक का सारा सामान है, जैसे इन्वर्टर का, ओके, और इंडक्शन, ठीक है, टीवी का। तो भैया आपके पास में मतलब जो ब्रांडेड इन्वर्टर होते हैं हमारे, उन सभी के कार्ड्स मिल जाते हैं, जैसे एमरॉन, सुकैम हो गया, माइक्रोटेक हो गया, ल्यूमिनस हो गया। मिल जाएगा, माइक्रोटेक का मिल जाएगा, ल्यूमिनस का मिल जाएगा, सुकैम का मिल जाएगा, मतलब जितने भी ब्रांड हैं वो सब मिल जाएंगे। ओके, और इनके स्पेयर पार्ट्स मिल जाएंगे, जैसे कैपेसिटर वगैरह हो गया, IGBT वगैरह हो गया, मिल जाएंगे। ओके, तो भैया फिर कहाँ से स्टार्ट करें सबसे पहले? देखो पहले टीवी के हैं, MOSFET वगैरह, ये टीवी के MOSFETs हैं सारे। हाँ, ओके, क्या क्या रेट होगा इनका लगभग? ये टीवी का 10 रुपए के, 15 रुपए के, 12 रुपए के। ओके, और ये हमारे ब्रिज रेक्टिफायर है, ये 10 रुपए के, ये 10 रुपए का, और ये आईसी, ये 10 रुपए की आईसी है। ओके, इनमें से कोई सा भी ले लो, सब 10 रुपए का है। हाँ, ये 10 रुपए का है। तो ये कहाँ पर यूज होता है? ये टीवी में यूज, ये टीवी में यूज होता है। और ये वाला? ये टीवी में यूज होता है, ये भी टीवी के अंदर लगता है। और ये रेक्टिफायर? ये इंडक्शन का 10 रुपए का है, इंडक्शन के अंदर लगता है 10 रुपए। भैया ये वाले जो है, ये भी टीवी का, ये भी टीवी के हैं। और ये जो इधर मैं कैपेसिटर्स देख रहा हूं, टीवी का 450 किसी में यूज कर लो तो मतलब कैपेसिटर 10 रुपए का केवल। ओके, ये यूज वाला होता है, रिफ्रेश का माल, 500 वोल्ट 150 माइक्रोफैरड, मतलब किसी में यूज कर सकते हैं, तो कैपेसिटर। ओके, और इधर जो ये ब्रिज रेक्टिफायर रखे हुए हैं बड़े वाले, ये 20 रुपए का, 20 रुपए का एक। और ये हमारा इंडक्शन के अंदर 10 रुपए का, 10 रुपए का। ये कैपेसिटर होता है क्या होता है? ओके, और ये वाले IGBT, ये 30 रुपए का, 30 रुपए का एक है। ये हमारे इंडक्शन के अंदर लगता है ना? हाँ, 25N, 20N, 12-03 सारे ही मिल जाएंगे। ओके, और भैया इधर जो ये फैन देख पा रहा हूँ, ये इंडक्शन के फैन है? हाँ जी, 150 के 5, 150 के 5। और किसी को अगर सिंगल पीस लेना हो तो वो कितने का पड़ेगा? सिंगल नहीं देते, सिंगल नहीं मिल पाएगा, 5 मिलेंगे सीधे। ओके, और गाइज आप लोग देख सकते हैं इधर भी भैया के पास में काफी इंडक्शन बोर्ड है, 100 रुपए का। ओके, ये 100 रुपए के, मतलब ये वाला कितने का? ये 40, ये 30 रुपए का पैनल है, 30 रुपए का पैनल जो फ्रंट में होता है, बटन वगैरह लगते हैं इसमें। और ये 100 रुपए की PCB है इंडक्शन की। अच्छा, ये भी PCB है इंडक्शन की, पीछे रखी हुई है। और अच्छा, ये अंदर जो कार्ड लगता है इंडक्शन के अंदर वो पूरा ही है? हाँ, ये पूरा। ओके, ये PCB इंडक्शन की। ओके, तो 100 रुपीज का कोई सा भी ले सकते हैं इसमें से? हाँ, कोई सा ले सकते हैं। ओके, और भैया इधर मैं देख पा रहा हूँ आपके पास में ये बड़े वाले हैवी कैपेसिटर्स है। हाँ, और गाइज आप लोग देख सकते हैं काफी बड़े कैपेसिटर्स हैं इसके अंदर। एक बार मैं इसकी आपको रेटिंग दिखा देता हूँ। ये बेसिकली हमारे 1500 माइक्रोफेरेड के हैं, 420 वोल्ट के अंदर। और गाइज आप लोग देख सकते हैं इनकी क्वालिटी कुछ इस टाइप की है। तो भैया इसका सिंगल पीस मिल जाएगा इसके अंदर? सिंगल आता, पूरा आता है, पूरा मिलेगा। तो क्या रेट होगा इसका पूरे पैक का? पूरा 1200 रुपए का, 1200 रुपए का पैक है। सो गाइज ये 1200 रुपए का पैक है और इसमें आपको 12 कैपेसिटर मिल जाएंगे, 1500 माइक्रोफेरेड के और 420 वोल्ट के। और भैया ये कौन से इन्वर्टर का कार्ड है जो रखा हुआ है? ये सुकैम है। और भैया ये जो कार्ड यहाँ पे सारे रखे हुए हैं, ये चालू कंडीशन के अंदर है? हाँ, ये 90% हो गए होते हैं। अच्छा, 90% हो गए होते हैं, कुछ मतलब खराब होते हैं, थोड़ा बहुत वो सही करना पड़ता है, रिपेयर करना पड़ता है। ओके, तो इसमें कौन कौन से ब्रांड के कार्ड्स हैं ये? करीब करीब सभी हैं, ल्यूमिनस के भी हैं, एक्साइड के भी हैं, बी गार्ड के भी हैं। ओके, तो क्या क्या प्राइसिंग होगी? 450 तो मतलब इनके डिफरेंट डिफरेंट कार्ड के डिफरेंट डिफरेंट प्राइसेस हैं। हाँ, लग रहा है। भैया मैं जो पीछे देख पा रहा हूँ ये काफी बड़े कार्ड्स हैं, ये कहाँ पर लगते हैं? ये भाई सब इन्वर्टर के, ये सारे इन्वर्टर के। एक बार 48 हाँ बिल्कुल 48 है जैसे। ओके, 6 KV का, मतलब 6 बैटरी होगा, 6 बैटरी वाला है ये, 4 बैटरी वाला, ये 4 बैटरी वाला है। तो इनका क्या क्या प्राइस होगा? ये मतलब ऐसे 2000 का, 2200 का। अच्छा, ओके, तो इनके अंदर भी कंडीशन होती है, उस हिसाब से माल है। ओके, रिपेयरिंग करवाना पड़ेगा इसके अंदर भी थोड़ा? हाँ, ओके भी ले लेते। ओके भी मिल जाएंगे आपके पास में? ना, ओके नहीं मिलते, ओके नहीं मिलते ना। ओके, तो भैया इधर जो रखे हुए कार्ड्स और ये किस किस टाइप के कार्ड्स हैं यहाँ पर पीछे जो रखे हुए? ल्यूमिनस का, ये वाला ल्यूमिनस का है, एक्साइड का। ओके, नेक्स्ट वाला? ये ल्यूमिनस का, ये ल्यूमिनस का है। इसका क्या प्राइस होगा लगभग? ये करीब 450, 450। और जो पहला वाला आपने दिखाया था वो 4000 रुपए? ओके, और नेक्स्ट वाला? मतलब ऐसे 350, 400, 300, 500। ओके, ल्यूमिनस का सोलर का ये। ओके, ये कितने का पड़ेगा? ये 1000 रुपए वाला।
1000 रुपये का। कंडीशन इसकी बढ़िया है। ओके इसका क्या है मॉडल है? ये क्रूज वाला है, ये 1500 रुपये का है। ये 1500 रुपये का ही है। ये जैसे कि मतलब मान के चलो 36 है, इसमें 48 है, 14 बोल्ट है, ये सारे ही है, 3-4 बोल्ट ठीक है। तो भैया कितने का पड़ेगा? 1500 का। हाँ ओके। भैया जो ऊपर नेक्स्ट वाले कार्ड रखे हुए ये किस चीज के हैं? ये सब इन्वर्टर के। सारे इन्वर्टर के। तो इसका क्या प्राइस होगा? मतलब ऐसी है 1000 का, 1200 का, 1500 का। और ये वाला ऐसे लिमिट में वो सेम ही है। सेम है। और नीचे जो ये रखा हुआ है ये किस चीज का कार्ड है? ये सब इन्वर्टर के लगे हुए। ओके सारे इन्वर्टर के। इन्वर्टर के मॉस्फेट वगैरह है। इन्वर्टर के मॉस्फेट क्या क्या रेट होगा लगभग? 8 रुपए का, 6 रुपए का, 7 रुपए का, 10 रुपए का। ओके क्या आपके पास में मेनली कौन कौन से नंबर मिल जाते हैं? सारे करीब सब मिल जाते हैं। 80-55, 90-55, 44। ओके 55 ठीक है, 305, 4132, 105 ठीक है, और 80-90 करीब सारे ही नंबर है। ओके तो ये सारे वो ट्रांजिस्टर और मॉस्फेट वगैरह है? मॉस्फेट वगैरह। ये सेंसिंग 18-18, 23-23, 18-18 ट्रांसफार्मर जो लगते हैं हमारे छोटे। ओके इनका क्या क्या प्राइस होगा लगभग? 70 रुपए का प्राइस। 70 रुपए का फ्रेश। हाँ ओके। और ये फ्यूज वगैरह? 1 रुपए का एक, 500 का 500। ओके 500 का 500, 1 रुपए का एक। और इधर मैं देख पा रहा हूँ ये सारे कार्ड वगैरह रखे हुए हैं, कंट्रोल कार्ड है। ओके निकाल के देख सकते हैं इसमें से? तो गाइस आप लोग देख सकते हैं ये इन्वर्टर के कार्ड्स हैं, मैं आपको दिखा देता हूँ एक बार। ड्राइवर कार्ड है, कंट्रोल कार्ड है। अच्छा ये सारे कंट्रोल कार्ड्स होते हैं जो हमारे इन्वर्टर्स के अंदर लगते हैं। ओके तो ये सुकैम के और ल्यूमिनस वगैरह सब मिल जाएंगे एक साइड में, और बी कार्ड में लिव, और तुम्हारे एमरोन में। तो क्या रेट होगा लगभग इनका? 180 रुपए का। 180 का, 200 का। ओके वो भी गारंटी में। ओके में। ओके गारंटी में मिलेगा? ये गारंटी मिलेगा। और नीचे जो ये रखे हुए हैं ये फाल्कन के? ये हाँ फाल्कन के आईसी हैं। आईसी हैं ये। ओके ये आईसी वगैरह है, ये आईसी है, 50 रुपए की आईसी है। 50 रुपए की आईसी है। अच्छा TX की। ये सब ये भी कंट्रोलर आईसी है सारी? हाँ हाँ TX की। एक बार देख लेते हैं गाइस इन्हें भी। जैसे TX की है आप लोग देख सकते हैं, ये हमारा कुछ इस टाइप का नंबर है इस पे। ये कंट्रोलर आईसी इन्वर्टर कार्ड की 50 रुपए की एक। ये भी फ्रेश है ना एकदम? ओके ओके मिलेगी एकदम। ठीक है। और भैया इधर जो ये मॉस्फेट वगैरह रखे हुए जितने भी हैं सभी ओके की है? ये सारी ओके हैं जो भी आईसी। और इधर मैं देख पा रहा हूँ ये सारे मॉस्फेट हैं, ट्री रिक्से के, वेल्डिंग हो गए। ओके 1200 है, 2850 है, 3560 है, और 3830 है। ठीक है 9202 है। तो इनका क्या क्या प्राइस होगा भैया इनका? जैसे 30 रुपए का भी है, 25 रुपए का भी है, 20 रुपए का भी है, 40 रुपए का भी है, 50 रुपए का भी है, 60-60 है, 40-60 है। ओके तो बाकी ये पूरा सेक्शन मॉस्फेट का है। हाँ और 40-60 है। ओके तो ये वाले जो ट्रांजिस्टर मॉस्फेट है ये सारे फ्रेश कंडीशन में मिलेंगे ना? सब ओके। ओके भैया। और भैया मैं देख पा रहा हूँ ऊपर ये कुछ कंपोनेंट रखे हुए हैं, ये सारे इंडक्शन के कंपोनेंट्स हैं। ये इंडक्टर कॉइल वगैरह जो रखे हुए हैं इनका क्या क्या प्राइस होगा लगभग? 10 रुपए की एक। गाइस मैं और दिखा देता हूँ भैया के पास में और भी सारी वैरायटी है, आप लोग देख सकते हैं। इधर भैया के पास में ये फैन की वैरायटी मिल जाएंगी। तो क्या क्या प्राइस होगा भैया इनका? फैन भैया 25 रुपए का। 25 रुपए से स्टार्टिंग है। ओके 25 रुपए का फैन है। और इसमें बड़े वाले भी हैं सारे? 24 वोल्ट। हाँ 24 वोल्ट के हैं, 12 वोल्ट के हैं। ओके और भैया इधर जो ये कैपेसिटर रखे हुए हैं ये 10 रुपए 10 रुपए का सिंगल पीस। ओके तो ये गाइस ये 25 वोल्ट का है, आप लोग देख सकते हैं। और मैं एक बार इसमें देखता हूँ 68, ये है हमारा 68 माइक्रोफेरेड का 25 वोल्ट का कैपेसिटर, ये 10 रुपए का पड़ेगा। और इधर है ये 100 वोल्ट 470 का। और इधर भी देखते हैं एक बार, 6850। ये 6850 है, कितने वोल्टेज के अंदर है ये? 6850। एक बार निकाल के देखते हैं। और गाइज आप लोग देख सकते हैं इन कैप का है 6800 माइक्रोफेरेड का है और 50 वोल्टेज का है, ये 20 रुपए का पड़ेगा गाइज आपको। और भैया के पास में ये और भी छोटे वाले भी है, मतलब कैपेसिटर्स की काफी सारी वैल्यू है भैया के पास में, सारा रिफ्रेश का है, सस्ते में मिल जाएगा आपको भैया के पास से। और भी मैं आपको दिखाता हूँ। और गाइज आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर भैया के पास में और कुछ कैपेसिटर्स रखे हुए हैं, 500 वोल्ट 150 माइक्रोफेरेड है। और ये वाले मैंने बड़े वाले आपको दिखाई दिए हैं, ये काफी बड़े हैवी कैपेसिटर्स हैं, काफी हैवी इन्वर्टर के अंदर लगते हैं हमारा। और आप लोग देख सकते हैं ये भैया की शॉप के अंदर पूरा सारा स्टॉक लगा हुआ है इन्वर्टर के कार्ड्स का। इधर भी मैं आपको दिखा देता हूँ, सारे मॉस्फेट, ट्रांजिस्टर्स, IGBT वगैरह सब कुछ मिल जाएगा यहाँ पर, आप लोग देख सकते हैं ये। और गाइज एक बात का ध्यान रखना है, ये सारे जो भैया के पास में पीसेज होते हैं ये रिफ्रेश ही होते हैं, इनमें से ज्यादातर जो होते हैं 90% सही होते हैं, बाकी थोड़ा बहुत खराब होता है वो आपको खुद रिपेयर करना पड़ेगा। तो गाइज ये था हमारे स्टॉल नंबर 55 का एक छोटा सा ब्लॉग टूर। आपने देखा भैया के पास में सारे जो ब्रांडेड
हमारे एमरॉन, सुकैम, ल्यूमिनस वगैरह होते हैं उन सबके यहाँ पर इन्वर्टर के कार्ड्स मिल जाते हैं और इंडक्शन के पार्ट्स भी मिल जाते हैं, कॉइल्स वगैरह, इंडक्टर वगैरह, कैपेसिटर और जो हमारे ब्रिज रेक्टिफायर, मॉस्फेट, आईजीबीटी, वो सारी कुछ चीज़ें आपको भैया के पास में मिल जाएंगी। लेकिन आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है, भैया के पास में जो चीज़ें होती हैं वो सारी रिफ्रेश की होती हैं, उसमें से काफ़ी जो आइटम्स हैं वो 90% चालू होते हैं और ये आइटम्स बेसिकली हमारे जो रिपेयरिंग करने वाले भाई होते हैं वो ज़्यादातर यूज़ करते हैं। अगर कहीं पर कोई उनके पास में इन्वर्टर वगैरह होता है जिसमें कोई पार्ट खराब होता है तो वो यहाँ से ले जाते हैं, उस पार्ट को उस इन्वर्टर के अंदर डालकर उसको चालू कर देते हैं। सो गाइज, आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो जल्दी से इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस आपको देखने के लिए मिलती रहे। तो मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट धमाकेदार वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।